दोस्तों, रेडिएशन थेरेपी क्या होता है? कैंसर के इलाज में दी जाने वाली जो रेडिएशन थेरेपी होती है, ये क्या होती है, कैसे ये वर्क करती है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो काफी नॉलेजेबल होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है कि रेडिएशन थेरेपी क्या होती है। दोस्तों, कैंसर का जो इलाज है ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया जाता है। इसके कई अलग अलग तरीके होते हैं। कैंसर एक बहुत ही खतरनाक, एक जानलेवा बीमारी है, डिजीज है, क्योंकि कैंसर का नाम सुनते ही लोग घबरा भी जाते हैं, क्योंकि कैंसर है ही इतना खतरनाक प्रॉब्लम। दोस्तों, कैंसर के इलाज के लिए काफी टाइप की टेक्निक, काफी तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसकी कई तरह की दोस्तों इसकी टेक्निक, जैसे कि रेडिएशन थेरेपी है, इसके अलावा भी इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी, और इसके अलावा भी दोस्तों हार्मोन थेरेपी, सर्जरी, तो काफी सारे ऑप्शंस होते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन ये चीजें दोस्तों, कैसा ट्रीटमेंट, कौन सी थेरेपी कब देनी है, कैसे देनी है, ये सारा डिसाइडेड होता है डॉक्टर्स के ऊपर कि डॉक्टर्स कैसे ट्रीटमेंट करना है। दूसरा, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उसका ट्यूमर कहाँ पे है, जो कैंसर है वो कहाँ है, कौन सी स्टेज में चल रहा है, तो ये सब चीजें डिसाइड करने के बाद ही डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा ट्रीटमेंट देना है पेशेंट के लिए। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ठीक है, कीमोथेरेपी। जिसने वो वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से विजिट कर सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कि जो आज का हमारा टॉपिक है कि रेडिएशन थेरेपी क्या होता है, कैसे ये अपना वर्क करता है रेडिएशन थेरेपी। दोस्तों, रेडिएशन थेरेपी रेडियो तरंगों का यूज करके कैंसर और ट्यूमर, या तो कुछ अदर डिजीज जैसे कि थायराइड की कोई बीमारी है, साथ ही कोई ब्लड डिसऑर्डर है, इनको ठीक करने में किया जाता है। जो रेडियो तरंगें यूज की जाती हैं वो हाई एनर्जी वाली, दोस्तों जो आयोनाइजिंग रेडिएशन जिसको हम बोल सकते हैं, इस टाइप की तरंगें होती हैं। ये रेडिएशन ट्रीटमेंट के रूप में कैसे काम करती है, ये एक बहुत ही दोस्तों जटिल प्रोसेस है, एक जटिल प्रक्रिया है, और इस पर अभी भी काफी सारी स्टडीज चल रही हैं, कि इस पर स्टडीज की जा रही हैं। किंतु अगर आसान रूप में समझाया जाए तो दोस्तों, ये रेडिएशन कैंसर सेल्स के डीएनए को, जो डीएनए होता है हमारा, जो कैंसर सेल्स का जो डीएनए होता है, इसको इस तरह खंडित कर देती है कि इसका विकास और इसका विभाजन रुक जाता है। यानी कि जो कैंसर सेल्स हैं इनका डेवलपमेंट होना, साथ ही दोस्तों इनका जो विभाजन यानी कि डिवीजन, सेल डिवीजन होता है, ये रुक जाता है, और यहां तक कि ये सेल्स नष्ट भी हो जाती हैं। दोस्तों, अगर पेशेंट्स के डॉक्टर को लगता है कि ऐसा करना अधिक लाभदायक होगा, इससे बेनिफिट हो सकता है, तो रेडिएशन थेरेपी का यूज किसी अदर ट्रीटमेंट माध्यम के साथ साथ किया जा सकता है, जैसे दोस्तों कीमोथेरेपी हो गया, इस तरह के ट्रीटमेंट के साथ। रेडिएशन थेरेपी के दो रूप होते हैं, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। दोस्तों, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी क्या है? इस थेरेपी का इलाज करने वाली जगह पर बाहर से जो किरणें हैं, जो रेडिएशन है, उसको दोस्तों एक मशीन की मदद से केंद्रित किया जाता है, चिन्हित किया जाता है, उसको उस जगह को पहचाना जाता है। दूसरा आता है दोस्तों इसके अंदर इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, इसमें एक रेडियो एक्टिव पदार्थ शरीर के भीतर कैंसर से प्रभावित टिश्यू के पास कुछ समय, या कई बार दोस्तों लंबे समय के लिए भी रखा जा सकता है, जैसे कि ब्रोंकी थेरेपी, या दोस्तों इसे इम्प्लांट थेरेपी भी कहा जाता है। नॉर्मली रूप से दोस्तों एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी का ही अधिक यूज किया जाता है, किंतु जब कैंसर से प्रभावित टिश्यूज के आसपास के सही सेल्स को नुकसान से बचाना होता है तो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर कि रेडिएशन थेरेपी कैसे दी जाती है। दोस्तों, इलाज के लिए किस तरह की और कितनी मात्रा में रेडिएशन थेरेपी देनी है, ये आपका कैंसर का ट्रीटमेंट करने वाले जो डॉक्टर्स हैं उन पर डिपेंड करता है। कुछ हफ्ते तक कई सेशन में चलता है। वहीं दोस्तों कुछ लोगों में एक हफ्ते में 5 ट्रीटमेंट भी दिए जाते हैं। हालांकि दोस्तों ये सब कैंसर के टाइप, उसकी स्टेज, पेशेंट की कंडीशन, इन सब पर डिपेंड करता है और वो डिसाइड करते हैं डॉक्टर्स। पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले सीटी स्कैन किया जाता है ताकि कैंसर की सही जगह का पता किया जा सके। पेशेंट की स्किन पर एक इंक मार्क लगा दिया जाता है ताकि ये ध्यान में रहे कि कैंसर की जगह कहां है, उसी के हिसाब से फिर रेडिएशन दी जाए। अलग अलग रेडिएशन थेरेपी को यूज में लाने का तरीका भी अलग होता है। एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी में लीनियर एक्सीलेटर नामक एक मशीन होती है, इसका यूज करके एक निश्चित लेवल पर
एक्स तरंग कैंसर वाले स्थान पर डाली जाती है। और दोस्तों कुछ और मशीन्स भी इसकी आती हैं जिनका यूज अलग टाइप की एनर्जी जो ऊर्जा तरंगें होती हैं, जैसे कि दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन हो गया, गामा किरणें हो गई, और इनकी दोस्तों कम्युनिकेशन के साथ ये सारा प्रोसेस किया जा सकता है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि रेडिएशन थेरेपी के फायदे क्या होते हैं। दोस्तों रेडिएशन थेरेपी से इलाज करने के काफी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सबसे प्रमुख इसका बेनिफिट ये है कि ये थेरेपी कैंसर की वृद्धि को रोकने में काफी ज्यादा मददगार साबित होती है, यानी कि जो कैंसर बढ़ रहा है उसको रोकने में। साथ ही दोस्तों कुछ लोगों में जिनको पैनक्रियाटिक कैंसर या कैंसर की शुरुआती अभी स्टेज है, तो रेडिएशन थेरेपी के कारण सर्जरी संभव हो जाती है। ट्रीटमेंट का प्रत्येक स्टेज 10 से 30 मिनट का होता है और आपको हॉस्पिटल्स में रहने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप चाहें तो अपनी सामान्य लाइफ जीवन शैली के जारी रख सकते हैं उसको, और जैसे कि कोई भी आप काम करना है, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 10 मिनट से लेकर 30 मिनट के बीच ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको एडवांस स्टेज का कैंसर है तो रेडियोथेरेपी सिम्टम्स को कंट्रोल करने और पेन से यानी कि दर्द से राहत देने का भी काम कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, बात करेंगे कि रेडिएशन थेरेपी के नुकसान क्या होते हैं, इसकी साइड इफेक्ट क्या होते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।